बैंगन का भरता एक नए अंदाज में बहुत ही स्वादिष्ट। खास बात ये है झटपट से बनके तैयार हो जाता है, ना तो बैंगन को भूनना पड़ेगा ना ही उबालना पड़ेगा। और ऐसा तरीका देख करके आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के बैंगन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बैंगन के डंठल को अलग कर लेंगे। अब हम एक पीलर ले लेंगे यानी छिलनी, और इसकी मदद से हम बैंगन को छीलेंगे। तो बैंगन का छिलका ना बहुत ही आसानी से उतर जाता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसको नहीं होती है छीलने में। बैंगन में कीड़े हैं या नहीं ये चेक करेंगे, तो इसके लिए हम बैंगन को 2 भागों में कट कर देंगे। और आप देख सकते हो बैंगन बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं है। तो इनको हम डाल देंगे पानी में। तो एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, इसमें हम बैंगन को डाल देते हैं ताकि बैंगन काले ना पड़े। तो इसी तरह से इन दोनों बैंगन को भी छील करके हम काट लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है, 1/4 चम्मच जीरा, ये हमने ले लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा हमने यहाँ पर अदरक ले लिया है, और ये हमने ले ली है लहसुन की साबुत कलियां। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स बढ़िया कलर आ चुका है सुनहरा लहसुन की कलियों का। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये मैंने 2 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, इनको डाल देते हैं। तोड़ करके डालेंगे हरी मिर्च। अब हम प्याज को लाइट गोल्डन भून लेते हैं। प्याज का कलर फ्रेंड्स आप देख सकते हो लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने पीस लिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हम बिल्कुल बेसिक मसाले डालेंगे। ये मैंने ले लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इतनी क्वांटिटी में काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच के लगभग हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच ही इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, हींग से खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और अब हम इसकी करेंगे मसाले की बढ़िया से भुनाई। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है और बढ़िया से खुशबू भी आने लगी है। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। ये हमने ले लिया है मटर, साथ ही में हमने ले लिया है गाजर। तो थोड़ी सी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब हमने ले लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया। अच्छे से इनको भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल जरा सा, लगभग 1/2 कप के करीब। अब ये जो हमने बैंगन पानी में भिगो करके रखे थे ना, इन बैंगन को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हम नमक को और बैंगन को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए इसी तरह से भूनेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। तो प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है निकल चुका है, तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। अब बैंगन अच्छे से पके या नहीं इसको भी हमें चेक करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक बैंगन को लेंगे और किसी फोक की या स्पून की हेल्प से इसको चेक करेंगे कि अच्छे से गला या नहीं। ठीक है, काफ़ी गर्म है तो मैं फोक से इसको चेक कर रही हूँ, और देख सकते हो बैंगन एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से पक चुका है।
अब हमें क्या करना है, स्पैचुला की मदद से ही इस तरह से बैंगन को मैश करना है। सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से मैशी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही क्विकली ये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने जल्दी बैंगन जो है अच्छे से मैश हो चुका है। अब हमें इसको बिना ढक्कन के यानी कि खुले में ही 2 मिनट के लिए पकाना होगा, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी सा दिख रहा है ना वो ख़त्म हो जाए और बैंगन का भरता थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस इसी तरह से हम इसको चलाते हुए अच्छे से पकाते रहेंगे, चलाना इसलिए ताकि बैंगन के मोटे मोटे से टुकड़े बिल्कुल भी ना रहें। तो बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टुकड़े रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और फाइनली आप देख सकते हो 2 मिनट बाद कितने अच्छे से हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। कोई कह सकता है फ्रेंड्स कि हमने बिना बैंगन को भुने बिना उबाले कितनी झटपट से बना लिया है। लोग अधिकतर या तो बैंगन को भून के बनाते हैं या अलग से उबाल लेते हैं फिर बनाते हैं, तो हमने दोनों ही नहीं किए, एक साथ ही हमने बहुत ही झटपट तरीका अपनाया है। और यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट बना था कि मेरी पूरी फैमिली तो इसकी दीवानी हो। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बैंगन का भरता बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा झटपट बनने वाला बैंगन का भरता। इसको आप वैसे तो रोटी के साथ अधिकतर लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे तरफ पराठे के साथ भी बहुत खाया जाता है। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। फिर से बोलती हूँ, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, बैंगन का भरता अगर आसान तरीका लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। और हाँ, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, मैं आपको बिल्कुल पर्सनली बोल रही हूँ। फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।